हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करें कि नॉर्मल ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। हमारे माइंड में ये कन्फ्यूजन होता है कि जब हम नॉर्मल ऑर्डर पुट करते हैं तो हम स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, एक साथ हम दोनों ऑर्डर कैसे पुट कर सकते हैं, जो अपने बाइंग पोजिशन ली हुई है उसके अंदर हम उसको कैसे कवर करेंगे स्टॉप लॉस लगा के, इसमें क्या डिफरेंस होगा नॉर्मल ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर में, कैसे हम ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे में फिल करते हैं, क्या इसमें डिफरेंस होना चाहिए, आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने YouTube नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जब मैंने एंजल ब्रोकिंग का एग्जाम्पल के लिए टाटा पावर का स्टॉक लिया हुआ है, इसमें सबसे पहले आपके नॉर्मल ऑर्डर आएगा। नॉर्मल ऑर्डर में क्या होता है, मेनली सबसे पहले आपको क्वांटिटी, उसके बाद जिस भी रेट पे आपको बाई करना, अगर आप लिमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको बाइंग रेट डालना पड़ेगा, अगर आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई रेट नहीं डालना, मार्केट रेट पे जब आप बाई कंफर्मेशन करेंगे तो आपको मार्केट रेट पे बाइंग लग जाएगा ऑर्डर। बट डिफरेंस क्या होगा नॉर्मल और स्टॉप लॉस में, सबसे पहले आपको देखो, जो जब भी आपको कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, मतलब कि आपकी कोई पोजिशन पहले ही बाइंग होगी तभी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने आज फर्स्ट टाइम ऑर्डर लिया टाटा पावर का, मॉर्निंग में आपने 10 क्वांटिटी बाइंग करी नॉर्मल ऑर्डर लगा के, उसके बाद अगर आप उसको स्टॉप लॉस करना चाहें, मतलब कि उसको एक नीचे की प्राइस पे उसको कवर करना चाहें, तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब कि पहले आप स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस तभी लगाया जाता है जब हमारे पास ऑलरेडी पोजिशन हो। पोजिशन कौन सी हो, चाहे आपकी इंट्राडे पोजिशन हो, इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, चाहे आपकी डिलीवरी पोजिशन हो, आप किसी में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट ये ऑर्डर लगाने से पहले आपके पास पोजीशन ऑलरेडी होनी चाहिए, तभी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर पुट कर सकते हैं। कई बार हम पूछते हैं कि हम पहले स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, हम लगा तो सकते हैं बट हमारे पास कोई पोजीशन ही नहीं होगी तो हम किसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसको कैसे कवर करेंगे। तो ये स्टॉप लॉस मेनली क्या होता है कि जब स्टॉक नीचे की तरफ जाए तो हमारी जो पोजिशन है वो कवर हो जाए, उससे प्राइस से जो हमने सेट करा हुआ है स्टॉप लॉस में उससे नीचे ना जाए, इसलिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हम कैसे कैसे क्वांटिटी सेट करेंगे, कैसे हम ट्रिगर प्राइस सेट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि नॉर्मल ऑर्डर बाइंग लेनी, कोई भी आपका एग्जाम्पल टाइम, मैंने एग्जाम्पल टाटा पावर का स्टॉक लिया हुआ है, मान के चलते आपने नॉर्मल ऑर्डर में 10 क्वांटिटी बाई करी टाटा पावर की, उसके बाद चाहते हैं आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना, तब कैसे लगाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले कितनी क्वांटिटी के बाद स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। आपने बाइंग क्वांटिटी 10 ली हुई है बट आप चाहते हैं कि मैं 7 क्वांटिटी को स्टॉप लॉस करूँ, मतलब कि 7 को ही मैं कवर करूँ, तो आप यहाँ एग्जाम्पल के लिए 7 क्वांटिटी रख सकते हैं, आप मैक्सिमम 10 क्वांटिटी रख सकते हैं क्योंकि आपने टोटली मैक्सिमम 10 क्वांटिटी ही बाइंग करी हुई है, उससे कम आप कितनी भी रख सकते हैं बट मैक्सिमम आपको यहाँ पे 10 रखनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे 7 रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हमेशा लिमिट रखना पड़ेगा। लिमिट के बाद ट्रिगर और प्राइस, इसमें क्या डिफरेंस होता है, आपने कोई भी टाटा पावर की पोजीशन 220 रुपये पर बाइंग करी, आप चाहते हैं कि मैं 210 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊँ। कई बार क्या होगा, आपने यहाँ पे मान लो एक प्राइस डाल दी, यहाँ पे एक प्राइस डालने के बाद कई बार गैप डाउन चला जाता है, स्टॉक 211 से सीधा वो 208 पे चला जाएगा, तो इतना जो गैप होगा उसकी वजह से ये ट्रिगर नहीं होता। इसी वजह से हमें दो प्राइस सेट करने पड़ते हैं, जिससे कि अगर आप यहाँ पे 210 रुपये डाल सकते हैं, यहाँ पे 208, इसका मतलब ये हुआ कि 208 से 210 के बीच में 3 रुपये का जो डिफरेंस है, उसके बीच में जब इस स्टॉक का प्राइस आएगा, चाहे वो 209 हो, चाहे 210 या फिर आप 210.50 कोई भी हो, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसलिए आपको मल्टीपल पॉइंट्स ही देने पड़ते हैं कि एक रुपया, 2 रुपये, कितना रुपया पॉइंट्स रख सकते हैं, बट यहाँ पे 210 से 209 भी रख सकते हैं, मतलब 9 और 10 के बीच में जो भी स्टॉक का प्राइस मुझे मिलेगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे 2 प्राइस रखने पड़ते हैं। ट्रिगर में हमेशा आपको ज़्यादा प्राइस रखना पड़ेगा, यहाँ पे 210 तो यहाँ पे 209, अगर यहाँ पे 211 करेंगे तो आप 210 भी कर सकते हैं। इस तरह आपको 2 प्राइस हमें रखने पड़ते हैं। उसके बाद डिलीवरी मार्जिन इंट्राडे, इसमें से आप डिलीवरी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी पोजीशन ऑलरेडी इंट्राडे में बाइंग हो, चाहे आपकी पोजीशन डिलीवरी में बाइंग हो, या फिर आपकी पोजीशन किसी भी स्टॉक में बाइंग हो, तो आप हमेशा डिलीवरी सिलेक्ट करके उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब डिलीवरी का ऐसा ऑप्शन है कि आप इंट्राडे में बाइंग पोजीशन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके बाद डिलीवरी पोजीशन, उसके बाद डिलीवरी सिलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप इंट्राडे भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट मेनली क्या होता है कि डिलीवरी एक 99% यूजर्स यूज़ करते हैं डिलीवरी ऑप्शन को, आप डिलीवरी हमेशा रहने देना और 2 प्राइस सेट करना, इस तरह आप स्टॉप लॉस प्राइस सेट कर सकते हैं। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।